अस्सलाम वालेकुम जी एंड ईद मुबारक आप सबको। बहुत 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 ईद मुबारक एंड वेलकम टू माय व्लॉग। सुबह हो चुकी थी 7-8 बजे से पहले कि मैं जाग रही हूँ। नमाज पढ़ने के लिए गए थे, नाश्ता बनाया, नाश्ता किया तो अभी घर से मेट रही थी। मिकायल साहब भी आज जल्दी उठ गए। मिकायल ईद मुबारक बोलो, ईद मुबारक। इस बब्बू को तो नहला दिया था कल, ये अभी तक चूड़ी घूम रही है ऐसी। रात को मियाँ सोई थी, थोड़ा सा मौसम अच्छा था तो हल्का सा पंखा, वहाँ पंखा लगा हुआ नहीं है तो अभी घर में समेट रही हूँ। मैं कहा थोड़ा सा घर समेट लूँ, किचन के बर्तन धोने हैं, उसके बाद फिर मैं तैयार होंगी, मैंने अपनी अम्मी की तरफ जाना है, फिर मैं रेडी होंगी, फिर अम्मी की तरफ जाएंगे। जी बेटा, जी जी कह रहे मुझे उठा लो। क्या कह रहे हो? घर में बच्चों ने गन डाल दिया टॉयज का और मैं वो सारा समेटूँगी, समेटूँगी, उसके बाद फिर मैं अपना तैयार होंगी। कपड़े शपड़े ब्रश ही नहीं किया, तो मैं इतनी थकी हुई थी मैं इससे, और ये मेरे मुँह पे सारा मेहंदी का निशान पड़ गया। अब जी ये सारा साफ करना पड़ेगा। रेम ने मुझे बताया करती है क्या रात को तो सोती रही हो, फेस मैंने इस तरह होकर रखा हुआ था तो मैं सो गई। जी बेटा कूल हो ले मेरा बबू। ईद वाली बोलो सबको, कहो जब पी लो ईदी दो। अच्छा ईद बारे बोले मैं छिटके जा ड्रेस पहनूंगी ना शाल का, बहुत बहुत थिक ड्रेस है माशाल्लाह, शाल का फेवरेट हर बार की तरह। मेरी बेटी का फ्रॉक, ये मेरी बेटी शाल का ड्रेस है, बहुत मेरी बेटी प्रिंस से लगेगी। अभी मैं पूरा अभी इसको तैयार करूंगी फिर मैं दिखाऊंगी। चलो शाल अब दे दो। कब से कह रही है मुझे तैयार कर दो, मैंने कहा बेटा अभी तो सुबह के 8-9 बज रहे हैं, अभी तो हमने जाना ही नहीं, जब जाएंगे तब बनाऊंगी आपको। ये घर में गन डाला हुआ है, टॉयज तो कभी क्या कभी क्या, क्या करूँ। रहीम ने टावर नहा कर यहीं टावर रख दिया, क्या करें इन बंदा इन मर्दों का भी। और ये टॉयज सारे घन बुद डाले हुए, और ये मेरा रोंदू बच्चा, बस कहता गोद में उठा रहे, क्यों उठ गया सुबह सुबह, एक बच्चा उठाती हूँ। बाहर जो है बड़ा प्यारा मौसम है, धूप आती है कभी छाँव आती है, और रहीम वो गाड़ी साफ करें, मैं थोड़ी साफ कर लूँ गंदी हुई हुई। आए कर दे व्लॉग। ये मेरा आया आगे। अच्छा मैंने अपना काम शाम ख़त्म कर लिया था, घर का किचन साफ कर लिया, सारे मेरे काम ख़त्म हो गए, और बच्चों को अभी तक मैंने रेडी नहीं किया, दोनों सो के भी उठे, शैल अभी भी सो रही है। रहीम सब तैयार हो चुके हैं। रहीम अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक सबको। ये भी जो बब्बू उठा है छो के गिंडे से, छो के बब्बू थे छो के, शाल को उठा रही हूँ, शाल उठी नहीं रही कि इसको तैयार करूँ रेडी करूँ, तो मैं खुद भी तैयार हूँ। मैंने बस ये बालों का ही जो किया है और कुछ भी नहीं है। अभी मैंने कहा नेल पेंट नहीं लगाई, तो मैंने कहा शाल को उठा कर फिर लास्ट में मैं खुद तैयार होंगी। जी शाल को मैं तैयार कर चुकी हूँ, ये शाल की लुक है, अभी दिखाऊंगी आपको रोशनी में। शाल ने बैंगल्स भी नहीं लिए हैं, शाल का मैंने हेयर स्टाइल बनाया। शाल शूज़ दिखाओ अपने, ये शाल के शूज़ हैं। शाल कैसी लग रही हो? बहुत तेरी लग रही मेरी बेटी। अभी मैं मिकायल को तैयार करने लगी, उसके बाद मैं खुद तैयार होंगी। अच्छा जी मैं रेडी हो चुकी हूँ, रहीम भी, मिकायल भी और शाल भी, और हम दोनों की तरफ से आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक। और अभी हम जा रहे हैं, मैं अपनी मामा के घर जा रही हूँ, और मुझे लाजमी बताइएगा कि मैं कैसे लग रही हूँ। फिलहाल तो मैंने बाल सेट नहीं किए, तो मैंने कहा बस ये मिकायल बाल खींचता है मेरे, तो अभी हम जा रहे हैं बाहर से कुछ खाएंगे, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, तो उसके बाद फिर देखूँगी कि किधर जाना है। मैं कह रही कम फॉलूस। अच्छा बीवी कैसी लग रही है, बताया है नहीं? अच्छा जी मिकायल को तो देखिए, मिकायल के शूज हैं ये, ये मिकायल की कपड़े हैं जी, क्या मेरी हाँ जी, ये मेरा एड्रेस है, मैंने सिंपल सा लिया था, ज़्यादा नहीं बोलिया, ये मेरा एड्रेस है। देखो मेरे मियाँ मेरा बैग लेके जा रहे हैं। चले जी शाल, चलो बेटा चलो लेट्स गो बेटा, लाइट ऑफ करें, चलो चलो ने सब कुछ रख लिया ना शाल। हाँ बहुत प्यारी लग रही हूँ माशाल्लाह, घूम के दिखाओ ब्रो। वाओ मिकायल कैसे देख रहा है इसको, ये जी रही मैं। बैग उठाया,
ये आपका ड्रेस है, वाह बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। और बालों का तो कपड़ा निकाल दिया। चलो आराम से तेना बाबा पकड़ के तारते सफर। चले जी चले जी, रेम हाथ पकड़ के ले जाए इसको। बर्गर वगैरह पूछने के लिए सब काय को देखो क्या कर रहा है। अच्छा कैची हो दस दिन है। अच्छा बहुत भूख लगी हुई, सुबह से कुछ पीने के नाश्ता किया हुआ बस। अरे इन्हें मेरा बर्गर करवाया, अपना शॉर्मा कराया और पिज्जा पिया। हाँ बेटा पिज्जा नहीं है यहाँ पे, हम बस खा के फिर जाएंगे मामा के घर। काल ने बहुत तंग किया इसमें, काल ने बहुत तंग किया इसमें, काल ने बहुत तंग किया, बहुत तंग करता है जी काल ना। बब्बू जो है ना ये बहुत तंग करता है, नोजे वाला बब्बू है, नोजे वाला बब्बू मकाल। रहीम सब वो खड़े हुए हैं अपना शॉर्मा करा रहे हैं, रहीम इसी का खाते हैं शॉर्मा। रहीम ये लेकर आए हैं बर्गर फ्राइज, और मकाल तंग कर रहा, खींच रहा मेरे हाथ से, गंदा बच्चा। तो दूर दो जीने की सारी खुशबू।